सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। राशन कालाबाजारी के खिलाफ गढ़वा एसडीओ जियाउल अंसारी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान लगातार जारी है। बीते मंगलवार को पूरे चौक स्थित गल्ला कारोबारी राकेश कुमार की दुकान में छापेमारी के दौरान जन वितरण दुकान का चावल पाए जाने पर एक व्यक्ति को मौके से ही दबोच लिया गया। वहीं जांच पड़ताल के लिए नामित बीडीओ कुमुद झा और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बहादुर रविदास ने जाँच के दौरान मामले को सत्य पाया, जिसके आधार पर बुधवार को गल्ला कारोबारी राकेश गुप्ता, संतोष कुमार साहू तथा कार्डधारी मुकेश कुमार गुप्ता पर गढ़वा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने हमारी संवाददाता सोनू दुबे को दूरभाष के माध्यम से बतलाया कि तीन लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की गहन जाँच की जा रही है। व्यक्ति चावल बेचने आया है, वो चावल पीडीएस दुकान से लिया गया। हम लोग वहाँ पहुँचे अपने मार्केटिंग ऑफिसर के साथ और हम लोगों ने जांच की। जांच में ये देख पाया गया कि मुकेश प्रसाद नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने चावल पीडीएस का चावल को संतोष गुप्ता को बेच दिया। संतोष गुप्ता लगभग 38 केजी चावल को राकेश कुमार के पास बेचने आया जी। और उसके बाद फिर वो पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि संतोष गुप्ता फिलहाल कुछ दिन पहले दुकान खोला है सो गांव का रहने वाला है, बीरबंधा पंचायत में। ये दरअसल कालाबाजारी का मामला प्रतीत होता है, क्योंकि जो मुकेश प्रसाद है जिसने यह चावल बेचा है उसका घर भी हम लोग जाकर देखे। उसका घर एक अच्छा मकान है, बन रहा है, वो एक संपन्न व्यक्ति है, गाँव वालों से पूछने पर पता चला। लेकिन उसके पास पीडीएस का चावल कैसे आया है? हो सकता है वो गलत तरीके से बन गया हो, उसके पास कार्ड हो जी। उसकी जांच चल रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया वह पीडीएस चावल को बाहर बाहर बेचने का आरोपी है। ये काला बाजारी है, हम लोग कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं जी।